हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सिमरन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेग्नेंट होने के बाद जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें हमें कुछ टर्म्स सीखती हैं। कहीं जी लिखा होता है, कहीं एफ लिखा होता है, कहीं एम लिखा होता है, कहीं बी लिखा होता है, कहीं एक्स एक्स लिखा होता है। तो इन सबको जान देख कर हम क्या पता लगा सकते हैं, क्योंकि देखो जी मतलब गर्ल होता है, एफ मतलब फीमेल होता है, एक्स एक्स मतलब भी फीमेल होता है। तो इन सब टर्म्स को अल्ट्रासाउंड पर लिखने का, इंडिकेट हमें करने का क्या मतलब होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इनफर्टिलिटी, पीरियड, प्रेगनेंसी ऐसे बहुत सारे रेलिवेंट टॉपिक मिलेंगे जो आपके और आपके बेबी दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंडिया की बात करती हूँ, इंडिया में ये चीज़ इनलीगल है। आपको किसी भी तरीके से अल्ट्रासाउंड में ये मेंशन नहीं हो सकता कि आपके बॉय होगा या गर्ल। बट उसके बावजूद भी FHR, प्लेजेंटा, बच्चे की पोजीशन और रीढ़ की हड्डी, ये सब इंडिकेटर्स होते हैं जिनके थ्रू हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। उनमें से ही एक होता है जो औरतें मानती हैं, वो है अल्ट्रासाउंड के साइड में जी या एम लिखा होना। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में जी मेंशन है या एक्स एक्स मेंशन है या एफ मेंशन है, इसका मतलब होता है आपके गर्ल होगी। वहीं अगर आपके अल्ट्रासाउंड में आपको बी लिखा नजर आए, एम लिखा नजर आए या एक्स वाई लिखा नजर आए, इसका मतलब है आपको बॉय होगा। आपको बहुत कम अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ें मेंशन होती हैं। आपने अपने अल्ट्रासाउंड में अगर देखोगे आप बहुत ध्यान से, तो आपको जो साइड में इंडिकेटर्स होते हैं उसकी जगह आपको ये नज़र आ जाएगा। उसमें बच्चे की लेंथ लिखी होती है, बच्चे की जो सर होता है उसकी लंबाई लिखी होती है, बच्चे की पूरी बॉडी की लंबाई लिखी होती है, बच्चे की हार्ट रेट चल रहा होता है वो लिखा होता है, और उसमें ही एक जगह लिखा होता है बच्चे का जेंडर। बहुत सी महिलाओं को इस चीज़ के बारे में नहीं पता और ये चीज़ उन्होंने न्यू सुनी होगी, बट नहीं, ये सब चीज़ें आपके अल्ट्रासाउंड में मेंशन होती हैं। तो आप प्लीज़, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो आप प्लीज़ एक बार वो जाके ध्यान से देखिए कि आपके अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ मेंशन है कि नहीं, और आपके डिलीवरी के टाइम पे आपके क्या हुआ, इससे आपको आप मैच करके पता लगा सकेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिसको इसकी सबसे नीड हो। थैंक यू सो मच।